आपके अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो बहुत अच्छा लगा होगा, आज विटामिन B12 का मैं सेशन लेके आया हूं, जो कि विटामिन B7 B9 मैंने कवरअप किया था। आज विटामिन B12 अलग से मैं सेपरेट लेक्चर इसका लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम, जो कि आज तक हमेशा पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। क्या होता है? साइनोकोबालमिन। ठीक, साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है। अब कोबाल दिखा तो कोबाल से क्या निकलता है? कोबाल्ट। यानी वह कौन सा एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो वह कौन सा एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? विटामिन B12। ठीक, कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CO। तो कोबाल्ट पाया जाता है, उसका फॉर्मूला CO होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया साइनोकोबालमिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है, प्रकृति में पाया जाने वाला, ध्यान से देखिएगा, पेपर में आया भी हुआ था कि प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है जिसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला, तो ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है जिसमें क्या पाया जाता है भैया? तो जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम रखा गया साइनोकोबालमिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए, ये हमारी बॉडी में कहाँ सिंथेसिस होता है, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये इसका सिंथेसिस, मतलब यह आंत में सिंथेसिस होता है, इसका संश्लेषण होता है। तो इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह आंत में संश्लेषित होता है, सिंथेसिस होता है यानी संश्लेषित होता है, और इसके द्वारा विटामिन B12 बनता है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप वन बाई वन इसको नोट डाउन करते जाइए। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि विटामिन B12 नष्ट कैसे हो सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे भून दें, ठीक है, भून देने पर या उष्मा देने पर, भून दें या उष्मा मतलब हीट करने पर, गर्म करने पर यानी उष्मा देने पर, ठीक, भून देने पर या उष्मा देने पर, ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखिए, ये किन विटामिन के लिए आवश्यक होते हैं? तो ये सल्फर युक्त विटामिन के लिए आवश्यक होते हैं। तो सल्फर युक्त विटामिन के लिए क्या होते हैं भैया? तो ये आवश्यक माने जाते हैं। तो वह कौन सा विटामिन है जो सल्फर युक्त विटामिन के लिए आवश्यक माना गया है? तो ठीक है, तो आप किस पे हिट करेंगे? तो आप लगाएंगे किस पे? तो ये विटामिन B12 पे लगाएंगे। इतने में कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो सल्फर युक्त विटामिन के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो विटामिन B12। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा है यह एनीमिया नाशक कारक है, पहला क्वेश्चन एक और फेवरेट क्वेश्चन है, यह कैसा कारक है? एनीमिया का मतलब खून की कमी, जैसे पिछला विटामिन B9 में पढ़ाया था मैंने, यह एनीमिया नाशक मतलब खून एनीमिया बीमारी से हमें बचाएगा। ठीक है, विटामिन B12, क्योंकि इसमें क्या पाया था भैया? कोबाल्ट पाया था। क्या पाया था? कोबाल्ट पाया था। तो एनीमिया नाशक कारक है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो किस विटामिन को एनीमिया नाशक कारक बोला जाता है? तो किस पे लगाएंगे आप? ठीक, तो विटामिन B12 पे। और ध्यान से देखिएगा, एनीमिया कब होता है? जब RBC की कमी हो जाती है, तो ये RBC के निर्माण में मददगार होता है। तो RBC के फॉर्मेशन में यानी RBC के निर्माण में मदद करने वाला विटामिन का जरा नाम बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो विटामिन B12 हो जाएगा। तो RBC के निर्माण में सहायक विटामिन का नाम जरा बता दीजिए, तो क्या होता है? तो विटामिन B12 होता है। और अगर बात की जाएगी, अगर इसकी कमी हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी कमी हो जाने पर, किसी कमी होने पर, एक बार देखूँ आ रहा है या नहीं। ठीक है, सही आ रहा है पूरा। अगर बात की जाए इसकी कमी हो जाए भैया, क्या हो जाए इसकी? तो इसकी अगर कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, यानी विटामिन B12 की, तो क्या हो जाएगा? परनीशियस, ध्यान से देखिएगा, परनीशियस एनीमिया नाम का एक रोग हो जाएगा। ठीक है, परनीशियस एनीमिया नाम का एक डिसीज हो जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा आपको। अच्छा, बात की जाएगी कि और क्या क्वेश्चन इससे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा,
और क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका सोर्सेस क्या है, तो बात किया गया इसके सोर्स क्या, खाने से हमें क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा इससे क्या क्या खाने से विटामिन बी 12 मिलेगा, तो दूध व उनके उत्पाद, दूध व उनके उत्पाद, तो यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाने से आपको मिलेगा। साथ साथ अगर आप मीट खा रहे हैं, यानी मांस मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, या फिश खा रहे हैं आप, ठीक है, या फिर एग ले रहे हैं, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। मीट मीट फिश एग ये सब हो गया, ठीक है, और जानते हैं दूध हो ही गया, पनीर इस दूध उत्पाद में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना कोई समस्या नहीं समझ में आया होगा। अगर बात की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ये पेपर में बहुत बार आता रहा है कि प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है विटामिन बी 12, तो सबसे बड़ी बात है कि फिश के लीवर में, फिश के लीवर में, अगर फिश के लीवर आप खाते हैं तो आपको विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में मिलेगा, बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। इतने में कोई समस्या नहीं समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि किस किस में सर्वाधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 तो आप लगाएंगे फिश के लीवर में पाया जाता है। और अगर बात की जाएगी कि और ऐसे कौन से कारक हैं जो इसको बनाने में उपयोगी होते हैं, तो आप जानते हैं खमीर बताया था मैंने, क्या बताया था, खमीर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बताया था, खमीर, यानी खमीर को क्या बोलते हैं, खमीर को बोलते हैं हम यीस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यीस्ट। तो यीस्ट क्या होता है, इसको निर्मित करने में, निर्मित मतलब बनाने में, निर्मित मतलब भैया क्या होता है, तो निर्मित करने में या बनाने में, निर्मित करने में या बनाने में क्या होता है, उपयोगी होता है, क्या होता है भैया, उपयोगी होता है, ठीक है। इतनी कोई समस्या नहीं उम्मीद है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो करने में क्या होता है, उपयोगी होता है। एक बार मैं थोड़ा सा इधर ले आऊँ, ठीक, क्या होता है, उपयोगी होता है, तो उपयोगी माना जाता है। और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ध्यान से देखिएगा, जब माता स्तनपान, माता जब सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या कराती है भैया, उस समय जब सबसे पहले क्या कराती है, स्तनपान, मतलब सबसे पहले जब माता द्वारा स्तनपान कराया जाता है, यानी दुग्ध पिलाया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिलता है, तो कोलेस्ट्रम मिलता है, क्या मिलता है भैया, कोलेस्ट्रम। और सबसे ज्यादा जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है उस शिशु के लिए, कोलेस्ट्रम सबसे जीवन वरदान माना जाता है, कोलेस्ट्रम को खीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खीज या खीज भी बोल देते हैं, खीस या खीज ही बोल देते हैं, ठीक ठीक। तो कोलेस्ट्रम, तो माता जब सर्वप्रथम स्तनपान कराती है तो कोलेस्ट्रम होता है, और एक बार जान जाइए, मतलब माता उसको दे रही है कि ले बेटा अब तुझे मैं एंटीबॉडी, तू लड़, अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो तो लड़ सकता है, तो कोलेस्ट्रम का कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है भैया, एंटीबॉडी। इसी कारण क्या होता है, बच्चों में अगर इन्फेक्शन होगा तो उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी उसे मिल जाता है कोलेस्ट्रम से। तो माता जब सर्वप्रथम स्तनपान कराती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसे क्या मिलता है, उसे दुग्ध में कोलेस्ट्रम मिलता है, जिसे हम खीज या खीज बोलते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोवाइड कराता है। साथ साथ इस कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, विटामिन बी 12। तो क्वेश्चन पूछा आएगा कि माता जब स्तनपान कराती है तो कोलेस्ट्रम जो उसमें पाया जाता है, उस दुग्ध में, उस जब स्तनपान कराती है तो उस दुग्ध में क्या पाया जाता है, उस दुग्ध में कोलेस्ट्रम जब पाया जाता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 पाया जाता है। इससे डिटेल में आपको कहीं जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, भरपूर कंटेंट है, आप पूरा मेहनत से इसको समझ, मेहनत से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। और अगर एक बात और की जाए कि अगर कोई व्यक्ति अगर बात की जाए, मांस हो गया, ठीक, मछली हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या फिर दुग्ध उत्पाद हो गया, क्या हो गया, दुग्ध उत्पाद हो गया, तो मांस मछली अंडा दुग्ध उत्पाद हो गया, अगर इसका सेवन बिल्कुल ना करे, इसका सेवन ना करे, ना के बराबर ना करे, तो क्या होगा, उसको तुरंत क्या हो जाएगा, उसको सबसे भयंकर डिसीज से गुजरेगा जिसका नाम है परनीशियस एनीमिया। तो अगर कोई व्यक्ति मांस ना खाए, मछली ना खाए, अंडा ना खाए, दुग्ध उत्पाद ना, मतलब मिल्क पनीर चीज़ कुछ ना खाए, तो उसे कौन सा डिसीज होएगा, परनीशियस एनीमिया नामक डिसीज होएगा। सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए, थैंक यू।